हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी से फिट। सो आज शाम तक, हो सकता है दोपहर तक ही वीडियो एक आ जाए, ठीक है। उससे पहले छोटी सी वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा ऐसे ही रिसर्च वगैरह कर रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि यार आखिरकार लोग बीमार क्यों होते हैं, ठीक है। तो बीमारी का जड़ मैंने सोचा है कि यार मतलब सोचो कि हमारी बॉडी जो है 5 एलिमेंट से बनी होती है, ठीक है। अगर मैं रिकॉल करूँ तो जैसे स्पेस, एयर, अर्थ, वाटर और फायर, इन 5 एलिमेंट से बनी होती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये 5 एलिमेंट की पूर्ति अगर हम लोग अपनी बॉडी को करते रहे तो शायद हम लोग बीमार ना पड़े ना। थोड़ा सा अगर दिमाग हम लोग लगाएं तो हमारे अंदर 5 एलिमेंट हैं, तो अगर हम उन्हीं 5 एलिमेंट को लेते रहें अगर अपनी बॉडी में, तो शायद हम लोग की बॉडी कभी भी बीमार ना हो। तो इसी के पीछे का मैंने सोचा कि यार आप लोगों को बताऊं कि यार वो 5 एलिमेंट आप लोग ले कैसे सकते हैं। 5 एलिमेंट लोगों को नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो उसी का ये वीडियो है। तो सबसे पहला आता है, अगर सिंपल बात करूँ तो वाटर। वाटर तो आप लोग नॉर्मली देखते होंगे, वाटर तो आप लोग लेते रहते हैं, मतलब बॉडी में आपके जाता रहता है वाटर, ठीक है। अब कितना अच्छा जा रहा है, कितना ख़राब जा रहा है, वो आप ही को पता होगा आपके लोकेलिटी में। अगर दूसरी चीज़ की बात करें, एयर, तो एयर की अगर मैं बात करूँ तो एयर, ये नॉर्मल एयर की बात यहाँ पर नहीं होती है, यहाँ पर बात होती है प्राण की। अगर मैं प्राण की बात करूँ तो प्राण को ही एयर कहा जाता है। तो आपको जब प्राणायाम जब आप करते हैं तो प्राण के कई सारे आयाम में आप प्राण को लेते हैं, प्राण मतलब एयर। तो अगर आप प्राणायाम करना शुरू कर दें अच्छे तरीके से तो कहीं ना कहीं आप अच्छी एयर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम तीसरी की बात करें, फायर, नॉर्मली अगर हम बात करें तो डिनोट होगा सन से, तो विटामिन डी जो होती है वो कहीं ना कहीं फायर को डिनोट कर सकती है। अगर हम चौथे की बात करें तो अर्थ, अर्थ से जो भी चीज़ आपको मिल रही है खाने के लिए, ठीक है, उनको आप अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आपके अंदर अर्थ जा रहा है। अब पाँचवा सबसे मेन जो होता है, स्पेस। लोग को स्पेस के बारे में सही से नहीं पता होता, ठीक है। तो स्पेस का मतलब क्या हो गया, स्पेस आप देखते होंगे अंतरिक्ष को तो खाली जगह दिखता होगा, खाली जगह, बिल्कुल दूर दूर तक कुछ नहीं। तो वही ना, कहीं ना कहीं अगर स्पेस का थोड़ा सा अगर हम डिनोट समझें, अगर हम थोड़ा सा बुद्धि लगाएं, तो स्पेस का मतलब हो जाएगा व्रत रखना। आपको महीने में कम से कम एक दो दिन तो व्रत रहना है ताकि आपकी बॉडी जो है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जाए, ठीक है। जो फैट आपका जो कई दिनों से जमा पड़ा है आपकी बॉडी के अंदर, वो यूज़ में आए थोड़ा, समझ रहे हैं। तो व्रत भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये 5 एलिमेंट अगर आप लेते रहेंगे ना, अगर हर कोई लेता रहेगा तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ने वाली है। तो यही आज का वीडियो था। मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं कि बीमार क्यों हो जाते हैं लोग, और मैंने ये थोड़ा सा कंसेप्ट लगाया कि अगर हम ये 5 एलिमेंट लेते रहें तो शायद हम लोग बीमार ना पड़े। तो आप लोग ट्राई करके ये ज़रूर देखिएगा और देखिएगा कि कुछ बदलाव होता है कि नहीं। तो वीडियो आज आने वाली है, दोपहर तक आ जाएगी, ठीक है। तो उसको आप सपोर्ट करिएगा, बाकी और भी फर्दर वीडियोज़ आती रहेंगी। तब तक ले, बाय बाय।